नमस्कार। बोलता बिहार न्यूज मीडिया में आपका स्वागत है। गढ़पुरा थाना क्षेत्र के कौरा गांव से तीन चोरी की बाइक के साथ एक युवक को थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में न्यायालय भेजा है। जानकारी देते हुए थाना अध्यक्ष मनीष कुमार आनंद ने बताया कि बुधवार की शाम गुप्त सूचना मिली कि कुम्हारसा पंचायत अंतर्गत कौड़ा गांव निवासी ललित कुमार पिता सत्यनारायण दास एवं विष्णु दास पिता वकील दास के घर चोरी की बाइक रखी गई थी, जो इधर उधर घूमकर बेचने के फिराक में लगा हुआ है। सूचना की पुष्टि हेतु गश्ती दल पदाधिकारी सुरेंद्र कुमार व थाना पुलिस बल के साथ सत्यापन हेतु उक्त व्यक्ति के घर छापेमारी की गई, जहां पुलिस को देख सलित कुमार भागने लगा, जिसे पुलिस बलों के साथ खड़े कर हिरासत में ले पूछताछ की गई एवं घर की तलाशी के दौरान एक बिना नंबर का अपाची बाइक बरामद किया गया, जिसकी कागजात की मांग करने पर हिरासत में लिए गए युवक के द्वारा कोई भी कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसके बाद विष्णु दास के घर भी छापेमारी की गई, लेकिन थाना पुलिस को देख विष्णु दास एक हीरो होंडा स्प्लेंडर मोटरसाइकिल से भागने लगा, जिसको पीछा करने के दौरान अपने को पुलिस से घिरता देख बाइक को सड़क किनारे छोड़ भाग निकला, जिस बाइक को भी जब्त किया गया, जो भी बिना नंबर प्लेट का पाया गया, जिसे जब्त सूचना बनाकर थाना लाया गया। सलित कुमार के निशानदेही पर ही कौरा गांव से एक और अन्य बाइक भी बरामद की गई, जिन सभी मोटरसाइकिल के रजिस्ट्रेशन नंबर से वाहन मालक का पता लगाया जा रहा है। वहीं हिरासत में लिए गए युवक को न्यायिक हिरासत में न्यायालय भेजा गया है। बताते चले कि थाना क्षेत्र में बीते 3-4 महीनों के अंदर दर्जनों बाइकों की चोरी हो चुकी है, जिस मामले के उद्भेदन में थाना पुलिस जुटी हुई है, जिसमें कुछ असफलता भी हाथ लगी है। गढ़पुरा से प्रदीप झा की रिपोर्ट।